India lost against Oman away from home 1-0 in their fifth match of FIFA World Cup 2022 qualifiers and AFC Asian Cup 2023 joint qualifiers. India ने इस गेम में कुछ खास ओवरऑल अगर आप देखोगे अटैकिंग थर्ड में कुछ खास किया नहीं. ओमान को सेकंड गेयर में जाने की जरूरत पड़ी नहीं. कुछ खास मेरे पे टैक्टिकल बोलने के टैक्टिकल दिखाने के लिए आपके पास नहीं है. ऑफकोर्स अदर देन इंडिया का सेटअप जो इंडिया ने कैसे सेटअप किया था और कैसे खेल रहे थे, बट मेरे पे एक न्यूमेरिकल एक स्टैट्स की एक रिपोर्ट है जो आपको इस मैच की कहानी और अच्छे से समझाएगा और आपको हेल्प करेगा कि मैच में एक्चुअली हुआ क्या था. वहाँ जाने से पहले एक बार देख लेते हैं आइगोर सीबक ने अपनी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में क्या बोला. उन्होंने बोला कि वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं जो इंडिया ने परफॉर्म किया है और ये परफॉर्मेंस इंडिया की दिखाता है कि इंडिया कैसे ओमान जैसी टीमों के अगेंस्ट खेल सकता है. उसके अलावा उन्होंने बोला कि ओमान ने गेम कंट्रोल किया बट इंडिया ने सेकेंड हाफ इंडिया ने डोमिनेट किया उनके अकॉर्डिंग. एंड उन्होंने ये भी बात बोली कि इंडिया गोल्स नहीं मार पा रहा क्योंकि बस गोल स्कोरर नहीं है. वो कह रहे हैं मेरे पे गोल स्कोर की कमी है और हमारे मेजॉरिटी गोल सेट पीसेस से आए हैं. उन्होंने खुद एडमिट किया जो हम आपको पिछले काफ़ी वीडियोस से आपको बताते आ रहे हैं कि इंडिया के सिर्फ 3 गोल ओपन प्ले से आए हैं अंडर आइगोर सीमा कह रहा. बट इसमें एक और कहानी आप अगर मैं बट बोलूँगा उन्होंने इसके अलावा बोला कि आशिक कुरैन गोल नहीं मार सकते हैं इसलिए मैं उनको लेफ्ट बैक या लेफ्ट विंगर की पोजिशन पर खिला रहा हूँ. विच इज़ थोड़ा सरप्राइज आया है मेरे लिए बिकॉज आशिक कुरैन थ्रू आउट हिज लाइफ एज अ स्ट्राइकर सेकेंडरी स्ट्राइकर एज अ लेफ्ट विंगर खेले हैं और थ्रू आउट लाइफ अपने गोल मारने के लिए वो जाने गए हैं चाहे वो इंडिया की यूथ टीम हो या पुणे सिटी की यूथ टीम्स में हो. तो थोड़ा एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उस बारे में. एंड उन्होंने ऑफकोर्स इंजरीज के लिए बोला कि जो पुराना हवलदार आदिल खान को इंजरी लगी कहते हैं कि उन्होंने बोला कि वो पूरे होल टीम को अपसेट कर दी उसने इंजरीज की वजह से. एंड वो पहले से ही इस इंजरीज से फेस कर रहे थे एंड उनके पास अब वो कह रहे हैं कि दे डोंट जो प्लेयर्स हैं कि उनके पास कॉम्पिटिटिव गेम्स नहीं है एंड दे नीड मोर कॉम्पिटिटिव गेम्स टू प्ले हाई इंटेंसिटी गेम्स फॉर 90 मिनट्स. बट अभी तो टीम जो मेजॉरिटी सारे प्लेयर्स ISL से ही हैं आपके सारे प्लेयर्स ISL से हैं और सारे के सारे ISL के मतलब 20 मैचेस हो चुके हैं तो सबके सब प्री सीजन के बाद ISL कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेल रहे हैं. तो एक स्टेटमेंट भी मेरे करंट उसमें ओवरऑल आप कह सकते हो साल भर में टोटल मैच ज़्यादा नहीं खेलते हैं बट अभी तो प्लेयर्स ISL के एक्शन से निकल के आ रहे हैं. उसके अलावा उन्होंने बोला कि किसी भी टीम के लिए अपना सिस्टम चेंज नहीं करेंगे. वो कहते हैं कि जो सिस्टम हम खेलना चाहते हैं वही सिस्टम से खेलेंगे हम अपोनेंट टीम को देख के अपना सिस्टम नहीं बदलेंगे. तो ये एक और सरप्राइजिंग मेरे लिए है क्योंकि इंडिया ने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम अपनाए हैं बाय द वे अभी तक के जो इतने 5 मैचेस हमने खेले हैं. आप चाहे बात कर लीजिए ओमान के अगेंस्ट गुवाहाटी में जो मैच हुआ बांग्लादेश के अगेंस्ट कोलकाता में कतार के अगेंस्ट कतार में अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो तजिकिस्तान में मैच हुआ अब ये ओमान के अगेंस्ट हमने किसी मैच में एक एक सिस्टम एक प्लेइंग 11 नहीं खिलाई है हमने कंटिन्यूस चेंज करे हैं बट ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला. इसके अलावा उन्होंने आशिक कुरैन की थोड़ी तारीफ करी कहते हैं गोल स्कोरर नहीं है वो लेफ्ट बैक और मैं उनको एज अ लेफ्ट बैक देखता हूँ और उन पर यूरोप में खेलने की एबिलिटी है. ये एबिलिटी वाली बात तो कुछ नहीं बट एक नई बात जो उन्होंने बताया कि वो गोल स्कोरर नहीं है. तो आई डोंट नो मतलब ये आशिक के लिए कितना कॉन्फिडेंस उनको जाएगा कि उनके कोच बोलते हैं कि वो गोल्स कम मारते हैं या नहीं मारते हैं. अब आ जाते हैं कि इंडिया ने कैसे सेटअप किया अगेंस्ट ओमान प्लेइंग 11 और कैसे उन्होंने टैक्टिकल ट्विक भी किया था स्पेशली जब इंडिया के पीछे पोजिशन में रहते थे. तो अब चलते हैं अपने टेक्निकल बोर्ड की तरफ. काफ़ी सरप्राइज था मैं ये प्लेइंग 11 देख के एंड दूसरा जो मुझे सरप्राइज लगा जब मैंने बेंच देखी सुभाषिश बोस जो लेफ्ट बैक हैं वो इंडिया के बेंच में भी थे आई थिंक वो ड्रॉप कर दिए गए थे फाइनल स्क्वाड में. तो एक प्लेयर जो आप एज अ सेंटर बैक खेल सकता है एज अ लेफ्ट बैक खेल सकता है आप उसको ले ही लेके गए. तो वो मैं मेरी प्रोजेक्टेड लाइनअप में मतलब मेरी मिस्टेक है कि मैं मुझे नहीं पता था वो स्क्वाड में नहीं बिकॉज AFF कोई फाइनल स्क्वाड अनाउंस नहीं करती है 35 अनाउंस करती है फिर मैच डे के दिन हमें पता चलता है कौन फाइनल 23 या 21 सेलेक्ट हुए हैं. तो इंडिया का सेटअप ऑन पेपर जब लाइनअप आई तो इट वॉज लुकिंग लाइक 4-4-2 है या 4-4-1-1 है और वो 4-4-1-1 था. बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग अगेन जैसे आएगा उस टीम में कह रहे थे वो सेटअप नहीं बदलते हैं काइंड ऑफ सेटअप थोड़ा सा ट्वीक था सेटअप. ये इंडिया ने स्टार्ट किया गुरप्रीत सिंह संधू ऑन गोल निशु कुमार की वापसी हुई टीम में जो राइट बैक की तरह खेले उनका काफ़ी अच्छा गेम था निशु कुमार का एज अ राइट बैक. साथ में स्टार्ट किया राहुल बेके एंड आदिल खान दोनों ही सेंटर बैक अपना रोल प्ले किया उन्होंने बट गोल में भी उनका रोल था जो इंडिया ने गोल खाया है. एंड लेफ्ट बैक था कि आशिक कुरैन है जिनसे काफ़ी इंप्रेस हुआ आइगोस टीम एक मिडफील्ड में आपके पास पुरने हल्दार एंड ब्रेंडन फर्नांडिस को रिटेन किया गया पिछले मैच में चेंजेस आपको देखने को मिले. आगे सहल को ड्रॉप किया गया उदांता कुमार राइट विंग पे थे सुनील छेत्री एज अ नंबर 10 और सेकेंडरी स्ट्राइकर खेल रहे थे मनवीर सिंह के पीछे और लेफ्ट में आए फारूक चौधरी जो इन्वर्टेड विंगर की पोजीशन खेल रहे थे. अब आप देखिए कि जब इंडिया एक्चुअली कर क्या रहा था जब स्पेशली जब गुरप्रीत का बॉल आएगी तो आप मैच में आप देखोगे जब भी गुरप्रीत का बॉल थी
तो आप इंडिया की जो मूवमेंट थी जब गुरप्रीत से बॉल आ रही थी, जो आपके फुलबैक थे निशु कुमार एंड आशिक कुरैन, वो विंगर्स की पोजीशन पे जा रहे थे, एंड आपके जो सेंटर बैक्स थे बेसिकली सेंटर बैक्स काफ़ी स्ट्रेच कर रहे थे आप, उन्होंने वो नॉर्मल सेंटर बैक की पोजीशन में नहीं जा रहे थे, राइट बैक लेफ्ट बैक की पोजीशन में जा रहे थे, एंड प्रणय हल्दार एंड ब्रेंडन फर्नांडिस एडवांस सेंटर बैक टाइप पोजीशन में बॉल ले रहे थे, उनको स्प्लिट सेंटर बैक फॉर्मेशन को आप बोलते हैं, एक एक्यूरेट वर्ड है, छेत्री ड्रॉप इन कर रहे थे मिडफील्ड में टू सपोर्ट प्रणय एंड ब्रेंडन फर्नांडिस, एंड इसके बाद फारूक चौधरी जो स्टार्ट तो लेफ्ट विंग पे कर रहे थे बट वो फिनिश मतलब आओ एज अ नंबर 10 एज अ सेकेंडरी स्ट्राइकर पोजीशन थे। तो ये सेटअप इंडिया ने खेला, आप कह भी सकते हो सेटअप चला, इंडिया से 1-0 ओमान से हारा है, काफ़ी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि स्टीवन कॉन्स्टेंट की टीम 1-0, 3-0 ओमान से हारी थी ओमान में, बट उन लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो स्टीफन 2015 मैच की 2015 में मैच हुआ था, 2015 में जब स्टीफन कॉन्स्टेंट इंडियन टीम में आए थे उस टाइम पे इंडियन टीम की रैंक 174 थी, फीफा रैंकिंग काफ़ी लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं ज़्यादा नहीं देता पर आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, एंड स्टीफन कॉन्स्टेंट ने एक बिल्कुल इंडियन टीम जो बुरी हालत में उनको इनहेरिट किया था, आप उनके प्लेयर्स देखे हुए तो उस टाइम पे इंडियन टीम में कोई ज़्यादा प्लेयर नहीं थे, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को डेब्यू दिया आके, उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेब्यूज दिए थे, एंड इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए भी डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं किया था, इंडिया को प्ले ऑफ खेलना पड़ा नेपाल के अगेंस्ट, तो उन्होंने एक लो इन कॉन्फिडेंस लो इन क्वालिटी स्क्वाड को इनहेरिट किया था, तो ओमान से 3-0 हारे तो कोई सरप्राइज नहीं, बैंगलोर में इंडिया ओमान से 2-1 हारा था, एंड वहाँ पे भी इंडिया जीत सकता था अगर ऑफसाइड में वो गोल नहीं मिल जाता, सुनील छेत्री ने एक फंटेस्टिक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइक मारी थी एलएफसी अगेंस्ट, बट जब आइगोर स्टीमेक आए हैं उन्होंने 2019 एएफसी एशियन कप से इंडियन टीम को इनहेरिट किया है, आप इस टीम में देखेंगे तो मेजोरिटी सब स्टीफन के प्लेयर्स हैं, एक दो प्लेयर्स को छोड़ के, एंड एक टीम जो फीफा रैंकिंग 100 पे चल रही थी उनको इनहेरिट किया है, तो ये कंपैरिजन करना है कि वो टीम 3-0 आ रही है, टीम 1-0, स्कोर लाइन अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है, बट आपको मैं आगे बताऊंगा कि स्टैट्स के थ्रू आपको स्टैट्स भी ऐसे लगेंगे कि तो स्टैट्स में वह इंडिया डोमिनेट कर रहा है, बट वो स्टैट्स आपको दिखाएंगे कि पूरे मैच में ओमान को सेकेंड गियर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर आप किसी भी टीम के कितना पोजिशन रख लें कुछ भी रख लें, शॉट्स ऑन गोल स्टोरी बताता है कि उस मैच में दूसरी टीम ने क्या किया है, अभी आप गेस करिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है इंडिया ने कितने शॉट्स गोल पे लिए हैं, फिर आगे जाके जो आपको स्टोरी बताऊंगा उसमें पता चलेगा कि इंडिया ने कितने शॉट्स गोल पे लिए और कौन से प्लेयर हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैच के ओवरऑल स्टैट्स से, उसके बाद हम इंडिविजुअल स्टैट्स की तरफ जाएंगे, मैच के ओवरऑल स्टैट्स की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं पोजीशन से, ओमान ने इंडिया को पोजीशन रखने दिया, 52% पोजीशन इंडिया ने रखा, ओमान ने 48%, और आप देखोगे तो पासिस में भी आप जाओगे तो इंडिया ने 437 पासिस मैच में करे कंपेयर टू ओमान ने 385 पासिस करे हैं, ओमान की पासिंग एक्यूरेसी 82% है, इंडिया की पासिंग एक्यूरेसी 83% है, तो ये आपको दिखाता है कि पोजीशन और पासिंग में इंडिया ने बेटर किया है, बट जो मैं आपको कह रहा था ओमान ने सेकंड गियर में जाने की जरूरत थी उनको ने इंडिया को पोजीशन रखने क्यों दिया ये नीचे के स्टैट्स आपको बताएंगे। अब आता है की पासिस पे, इंडिया ने सिर्फ 4 की पासिस अटेम्प्ट करे, 0 उसमें से सक्सेसफुल हुए, ओमान ने 12 की पासिस अटेम्प्ट करे, 4 सक्सेसफुल हुए, उसका मतलब उनका एक गोल आया। अब उससे भी ज्यादा बड़ा स्टैट दिखाता है कि क्यों ओमान ने इंडिया को पोजीशन रखने दिया, ओमान ने 10 शॉट्स ली, 4 ऑन टारगेट थी, इंडिया ने एक शॉट लिया, 0 ऑन टारगेट था, तो अब क्या ओवरऑल इंडिया का स्टाइल है वो मुझे इन नंबर्स से तो बहुत ही अलग ही स्टोरी पता चल रही है। कॉर्नर्स ओमान को 8 मिले, इंडिया को 5 मिले, एंड ब्रेंडन फर्नांडिस जिस तरह की डिलीवरी डालते उन्होंने कॉर्नर से चांसेस बनाए थे इंडिया के लिए बट हमारे प्लेयर्स वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके अलावा इंडिया को ज़्यादा काउंटर अटैक करना चाहिए था इस मैच में, स्ट्रैटेजी वही होनी चाहिए थी, बट ओमान ने 10 काउंटर अटैक करे, इंडिया ने 5 काउंटर अटैक करे। इसके अलावा फाउल्स की बात करें तो इंडिया उन्होंने 6 फाउल्स किए हैं, इंडिया ने 14 फाउल्स किए हैं, और फाउल्स की भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा किन प्लेयर ने फाउल्स किए हैं। इसके बाद अब आ जाते हैं पासिंग की बात करते हैं, इंडिविजुअल स्टैट्स पे बात करते हैं कुछ टॉप पासर की इंडियन टीम में और उनके पासिंग परसेंटेज की। नो डाउट इसमें नंबर वन आपके ब्रेंडन फर्नांडिस हैं, उन्होंने 72 पासिस अटेम्प्ट करे हैं, 57 उनके पासिस एक्यूरेट थे, विच इज़ इक्वलेंट टू 79% उनकी पासिंग एक्यूरेसी थी। जिस तरह के रोल में वो थे, वो इंडिया के मेजर क्रिएटिव प्लेयर थे, सारी क्रिएटिविटी उनके थ्रू जा रही थी, आई थिंक विच इज़ प्रीटी गुड स्टैट कंपेयरिंग टू इज प्लेइंग ए डीप लाइन प्ले मेकर, काफ़ी लॉन्ग पासिस उन्होंने ट्राई किए थ्रू आउट द मैच। नंबर टू में आपके आशिक कुरैन, उन्होंने एज अ लेफ्ट बैक अच्छा गेम खेला पर फाइनल थर्ड में उनकी डिलीवरी नहीं, उनको 52 पासिस उन्होंने अटेम्प्ट करें, 40 एक्यूरेट पासिस थे, उसमें 77% की पासिंग एक्यूरेसी थी। आनस इथोडिका ओवरऑल काफ़ी लोगों को नहीं परफॉर्मेंस एक डिबेटेबल है, कई लोगों को अच्छी नहीं लगी, वो बहुत सारे लॉन्ग बॉल डाल रहे थे, बट उनकी पासिंग
जो स्टैट है वो आपको एक अलग स्टोरी दिखाता है. उन्होंने 49 पासिस अटेम्प्ट करे, 42 उन्होंने सक्सेसफुल पासिस किए, 86% उनकी एक्यूरेसी है अनास की. तो ये भी दिखाता है कि चाहे आपको टीवी में दिख रहा होगा काफ़ी, पर उन्होंने आके गेम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी अनास ने फ्रॉम डीप, तो वो काफ़ी हेल्प करता है ओवरऑल टीम को. उसके बाद जो एक और प्लेयर जिनका गेम मैं सारे स्टैट्स एनालाइज कर रहा था, निशु कुमार का गेम हर स्टैट में वो किसी न किसी पोजिशन पर दिख रहे थे. उन्होंने भी 48 पासिस अटैम्प्ट करे, 42 सक्सेसफुल थे, और इनकी थी आपकी हाइएस्ट पासिंग कंप्लीशन परसेंटेज, 88% इन्होंने यहाँ पे पासिस इन्होंने कंप्लीट करे, बट हाईएस्ट ये नहीं थे, हाईएस्ट इनसे एक सेकंड हाईएस्ट थे ये. फर्स्ट हाईएस्ट राहुल बेके थे जो इंजरी से पहले उन्होंने 38 पासिस अटेम्प्ट किए थे, 36 वर एक्यूरेट, तो 95% पासिंग एक्यूरेसी है. और आपको जो अब बात करते हैं अगर सुनील छेत्री के इन सब के कंपेयर, सुनील छेत्री ने 24 पासिस अटेम्प्ट किए थे, 18 एक्यूरेट हुए, तो ये दिखाता है 75% की पासिंग एक्यूरेसी थी. सुनील छेत्री को थोड़ा और इन्वॉल्व होना चाहिए बिल्डअप में अगर इंडिया उनसे ज़्यादा आउटपुट चाहता है तो. इसके बाद जो इंटरेस्टिंग स्टैट एक और बताता कि पासिस फॉरवर्ड, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे रहे थे लाइव वीडियो में कि इंडिया ज़्यादातर बैक पासिस कर रहे हैं. अब बात करते हैं पासिस किस प्लेयर ने कितने पासिस फॉरवर्ड खेले. इसमें भी सबसे ज़्यादा पासिस फॉरवर्ड ब्रेंडन ने खेले, 22 पासिस, उसमें से उनके 14 एक्यूरेट थे, 64% उनकी एक्यूरेसी थी. अनस ने, जो मैं कह रहा था क्यों अनस ने पीछे से आके गेम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ये नंबर्स दिखाते हैं, उन्होंने 20 पासिस आगे खेले, उसमें से उनके 15 एक्यूरेट थे, जो 75% की एक्यूरेसी थी. अफकोर्स उनके मेजोरिटी ऑफ पासिस वो ब्रेंडन के पास या विनीत राय के पास थे, बट कुछ लॉन्ग बॉल भी उन्होंने डाली थी. उसके बाद आशिक कुरैन के पासिस, उन्होंने 18 पासिस फॉरवर्ड खेले, 11 उनके एक्यूरेट थे, 61% की एक्यूरेसी है. उसके बाद आ जाते हैं राहुल बेके, जो इंजर्ड होने के बावजूद इस लिस्ट में आगे हैं और बाकी प्लेयर नहीं है. उन्होंने 17 पासिस आगे खेले, 16 उसमें से एक्यूरेट थे, विच इज़ इक्वल टू 94%. इसके बाद बाकी टीम के कुछ खास नंबर नहीं है पासिंग फॉरवर्ड में, तो ये आपको दिखाता है कि इंडिया के पासिस फॉरवर्ड नहीं थे. अब जो मैं अगला स्टैट आपको बताना चाहता हूँ, क्यों हम बोल तो रहे हैं इंडिया पासिंग फुटबॉल खेलना चाहिए बट क्यों इंडिया नहीं खेल पा रहा है, क्यों इंडिया को लैनी रोड्रिगेज जैसा प्लेयर चाहिए इस टीम में, ये स्टैट आपको बताता है. शॉर्ट पासिस एक्यूरेसी, कि जब हमारे प्लेयर शॉर्ट पासिस खेल रहे थे तो किसकी एक्यूरेसी कितनी थी और कितने पासिस उन्होंने खेले, और ये बहुत कम नंबर है. अगर आपको पासिंग फुटबॉल खेलने हैं तो आपका जो डिफेंसिव मिडफील्डर है वो आपके 7 शॉर्ट पासिस नहीं खेल सकता है, उसको ज़्यादा खेलना पड़ेगा. तो देखिए शॉर्ट पासिस एक्यूरेसी में बात करते हैं, सबसे अच्छे और सबसे एक्यूरेट शॉर्ट पासिस खेले ब्रेंडन ने, जो उन्होंने 11 शॉर्ट पासिस खेले फॉरवर्ड शॉर्ट पासिस, उसमें से 92 उनकी एक्यूरेसी थी. आशिक ने उन्होंने भी 11 खेले, 85% एक्यूरेसी के. फारूक ने 7 खेले, उनकी थी 76% एक्यूरेसी. सुनील छेत्री ने 9 शॉर्ट पासिस खेले, उनकी 75% एक्यूरेसी थी. एंड विनीत राय ने 7 शॉर्ट पासिस खेले, विच इज़ प्रीटी लेस फॉर अ डिफेंसिव मिडफील्डर, उनकी 88% एक्यूरेसी थी. तो ये आपको एक पासिंग का आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा पोजीशन के साथ, कि कैसे पोजीशन होने के बावजूद इंडिया का जो बोलते हैं ना यूजलेस पोजीशन था अपने हाफ में, आगे हम नहीं लेके गए, फॉरवर्ड पासिस हमारे बहुत कम है, शॉर्ट पासिस बहुत कम है, और की पासिस हमारे आप देख सकते हैं, अगर हमारे की पासिस आप देखेंगे तो 4 की पासिस हैं, 0 ऑन, उसमें 0 सक्सेसफुल हुए थे, 4 अटेम्प्ट किए गए हैं सिर्फ 90 मिनट में, 4 की पासिस, विच इज वेरी लेस. एंड इसके बाद अगर शॉट्स ऑन टारगेट और शॉट्स ऑफ टारगेट की मैं बात करता हूं, तो इंडिया ने सिर्फ एक शॉट लिया मैच में. अगर आप लोगों ने गेस सही किया एक शॉट लिया है, तो आपको ये भी पता होगा वो शॉट ब्रेंडन फर्नांडिस ने लिया था, एंड वो भी ऑफ टारगेट गया. मतलब पूरे मैच में अल हफ्जी को एक भी सेव करने को नहीं मौका मिला. तो ये आपको दिखा सकता है गुरप्रीत के ऊपर 10 शॉट्स थे, उन्होंने 4 टारगेट में थे, 3 उन्होंने सेव किए, 1 उन्होंने गोल कंसीड किया, उसमें उनका कुछ ज़्यादा फॉल्ट नहीं था. अब आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं अगले सेट ऑफ स्टैट्स की, जो है ड्रिबल्स, टैकल्स एंड लॉस्ट बॉल रिकवरीज एंड ऑल. तो उसके बारे में बात करते हैं इस सेगमेंट में. अगर आइगर स्ट्रीम में कोई पासिंग स्टाइल फुटबॉल वो खेलना चाहते हैं, जिस तरह के फुटबॉल वो कहते हैं, तो इन प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा उनको ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से. इस मैच से जो प्लेयर आए हैं, मैं आपको कुछ प्लेयर के नाम बताने वाला हूँ जिस मैच में जिन्होंने लीस्ट पासिस खेले हैं. नंबर 1 है प्रणय हल्दार, ऑफकोर्स इंजर्ड हो गए थे, कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए. उन्होंने इस मैच में सिर्फ 8 पासिस अटेम्प्ट करे, 6 एक्यूरेट थे, 75% की एक्यूरेसी थी. सेकंड, 98 मिनट फुटबॉल खेलने के बावजूद उदांता कुमार ने सिर्फ मैच में 10 पासिस अटेम्प्ट करे और 8 एक्यूरेट थे, 80% एक्यूरेसी है. मनवीर सिंह जो आपके नंबर 9 है, वो 16 पासिस उन्होंने अटेम्प्ट किए, 9 उनके एक्यूरेट थे, 56% एक्यूरेसी. एंड सार्थक गुलाई जो इतनी लेट में आए, फिर भी उन्होंने मतलब आखिरी सब थे इंडिया के, वो उन्होंने 19 पासिस अटेम्प्ट करे, 16 एक्यूरेट थे, 84%. तो अगर इंडिया को पासिंग फुटबॉल इंडिया को खेलनी है, तो ये प्लेयर्स कुछ पे उनको ध्यान देने की जरूरत है, कि अगर ये प्लेयर जब तक नहीं वो इन पे ऊपर इंप्रूव नहीं करेंगे, उदांता कुमार को मे बी
वो नहीं, वो काउंटर अटैक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तो उनको काउंटर स्टाइक के लिए यूज़ करिए, आप पासिंग फुटबॉल के लिए किसी और विंगर राइट विंगर को यूज़ कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं ड्रिबल्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैट होता है, अगर आपको चांसेस बनाने हैं तो आपके ड्रिबलर्स होने चाहिए जो वन ऑन वन सिचुएशन में अपने मैन को बीट कर पाएँ और आपके लिए अपॉर्चुनिटी बना पाएँ। इसमें ऑफकोर्स आपके इंडिया के बेस्ट इस टाइम पर आशिक कुरैन हैं, उन्होंने 9 ड्रिबल अटैम्प्ट करी इस मैच में, 4 सक्सेसफुल थी 44%। उसके अलावा निशु कुमार ने 5 ड्रिबल अटैम्प्ट करी, 2 सक्सेस, निशु कुमार इज़ सेकंड हाईएस्ट बाय द वे एज अ राइट बैक, उन्होंने 5 ड्रिबल अटैम्प्ट करी, 2 सक्सेसफुल 40%। फारूक चौधरी ने 3 ड्रिबल अटैम्प्ट करी, 2 सक्सेसफुल 67%। इंडिया के कैप्टन सुनील छेत्री 0 ड्रिबल अटैम्प्ट किए उन्होंने, और उनकी उन्होंने 0 ड्रिबल अटैम्प्ट किए, 0 सक्सेसफुल। सुनील छेत्री, मैंने पासिस में बात करी, की पासिस में बात करी, इतना इन्फ्लुएंस उनका गेम में नहीं था जितना उनका होना चाहिए था। अब अगर आप डिफेंसिव साइड से बात करें, इंडिया क्यों ये मैच मतलब ओमान को सेकंड गेयर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप बताएंगे टैकल्स के थ्रू। अब टैकल्स देखिए, विनीत राय डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहे थे, ये बात आइगोर स्टीमैक ने अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि उनका बेस्ट टैकलर पन्नो हल्दार बाहर चले गए थे एंड उन्होंने इसलिए उनको मिस किया और इंडिया बॉल नहीं जीत पाया जब लूज बॉल इंडिया को जीतनी थी। सबसे ज़्यादा टैकल ब्रेंडन फर्नांडिस ने अटैम्प्ट करे, 9 टैकल्स, 6 उसमें से एक्यूरेट थे, 67% की एक्यूरेसी है। उसके अलावा उदंता कुमन ने, अब मैं बता रहा हूँ ये अटैकर हैं बट ये डिफेंसिव साइड में ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं, 5 टैकल अटैम्प्ट करे, 3 सक्सेसफुल, 60% की एक्यूरेसी थी। उसके अलावा निशु कुमार राइट बैक, उनकी परफॉर्मेंस मैंने बोला था हर स्टैट में आपको दिखेंगे, इसलिए उन्होंने 4 टैकल अटैम्प्ट किए, 2 सक्सेसफुल 50%। उसके अलावा विनीत राय ने सिर्फ 3 टैकल अटैम्प्ट किए, 1 सक्सेसफुल। आशिक कुरैन ने 2 अटैम्प्ट किए, दोनों सक्सेसफुल 100%। पन्ना हल्दार ने 2 अटैम्प्ट करे, 2 सक्सेसफुल 100%। छेत्री ने 0 एंड 0। तो टैकल्स का ऑफकोर्स उनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, पर जैसे आपको बता रहा हूँ हर स्टैट में उनका स्टैट बताता जा रहा हूँ। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडिया के स्टैट्स ये बहुत कम है, टैकल्स आप और ज़्यादा जीतने पड़ेंगे अगर आपको बॉल उनसे छीननी है, तो इंडिया ने इतनी कोशिश नहीं करी बॉल छीनने की। इसके अलावा अगर टैकल्स की बात आते हैं तो बात करते हैं किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा बॉल लॉस्ट करी, एंड मैं आपको बताऊंगा वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस मैच में सबसे ज़्यादा कोशिश करी कुछ क्रिएट करने की। तो उस पर नंबर वन आते हैं ब्रेंडन फर्नांडिस, हर जगह नंबर वन है, यहाँ पर भी नंबर वन है, 12 टाइम इन्होंने बॉल लॉस्ट करी है। जस्ट पीछे आशिक कुरैन जो भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने 10 टाइम बॉल लूज करी है। पर फिर आते हैं फारूक चौधरी जिन्होंने 9 टाइम बॉल लूज करी, मनवीर सिंह 8 बार बॉल लूज करी, निशु कुमार 6 बार बॉल लूज करी, विनीत राय 4 बार बॉल लूज करी इन लोगों ने। अगर इन्होंने लूज भी करी तो इन्हीं कुछ प्लेयर्स ने कुछ ट्राई भी करी है बॉल रिकवर करने की। बॉल रिकवरी की अगर हम बात करते हैं तो आशिक कुरैन ने 7 बॉल्स रिकवर करी हैं, सार्थक गोलाई ने 5 बॉल रिकवर करी हैं, आदिल एंड ब्रेंडन ने 4-4 बॉल रिकवर करी हैं, फारूक चौधरी ने 3 बॉल रिकवर करी हैं, अनस ने 3 बॉल रिकवर करी हैं, उदंता ने 3 बॉल रिकवर करी हैं। बट यहाँ पे विनीत राय हाई होने चाहिए थे, पन्ना हल्दार हाई होने चाहिए, तो पन्ना हल्दार इंजर्ड हो गए, तो विनीत राय को बॉल रिकवरी ज़्यादा नहीं है। तो ये अब दिखाता है कि बॉल रिकवरी टैकल्स ये हम लोगों को और इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, तभी हमारी टीम कुछ इंप्रूव कर सकती है। अब बात करते हैं क्रॉसेस की, इंडिया दो दो काइंड ऑफ गुड विंगर्स, निशु कुमार, उदंता, आशिक, फारूक चौधरी, अगेन आशिक कुरैन ने 4 क्रॉसेस अटेम्प्ट करे, 1 सक्सेसफुल सिर्फ उसमें से हो पाया, उदंता ने 1 क्रॉस किया, 1 सक्सेसफुल। उन्होंने और क्रॉसेस क्यों नहीं लिए, क्योंकि उनकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहीं से क्रिएट करते हैं, पर वो नहीं। फारूक चौधरी ने 1 क्रॉस अटैम्प्ट किया, 0 सक्सेसफुल, निशु कुमार ने 1 क्रॉस अटैम्प्ट किया, 0 सक्सेसफुल। तो इंडिया ने पूरे मैच में 7 क्रॉसेस अटैम्प्ट किए, 2 सक्सेसफुल। तो ये कुछ स्टैट्स जो हैं, ये मैंने चुन के कुछ स्टैट्स निकाले हैं, और भी स्टैट्स हैं बता सकता था। तो जो काफ़ी सेकंड हाफ हमने गेम डोमिनेट तो किया, पोजीशन वाइज डोमिनेट किया, पर पोजीशन मेजॉरिटी पोजीशन हमारे अपने ओन हाफ में था, हमारे प्लेयर्स फॉरवर्ड पासिस बहुत कम किए हैं जितने उनको कर रहे हैं, शॉर्ट पासिस नहीं खेले हैं उन्होंने। तो कौन सी शॉर्ट पासिंग, कौन सी सिस्टम की बात आइगोर स्टीमैक कर रहे हैं कि उन्होंने चेंज नहीं करेंगे, सिस्टम चेंज हुआ है, इससे पहले उन्होंने आज तक स्प्लिट सेंटर बैक फॉर्मेशन उन्होंने यूज़ नहीं करी जो आज यूज़ कर रहे थे, तो ये नहीं कह सकते उन्होंने सिस्टम चेंज नहीं किया, सिस्टम उन्होंने आज चेंज किया है। तो जिस तरह की एबिलिटी इन प्लेयर्स की है, क्या ये उनको पूछना पड़ेगा अपने आप को, क्या ये प्लेयर गुड इनफ है उनकी स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलने के लिए, अगर उनको पासिंग फुटबॉल खेलनी है। तो अब मैं आगे बात करूंगा कुछ प्लेयर्स जिनको अभी आप उनके पास कुछ महीनों का टाइम है, कुछ महीने होमवर्क कर सकते हैं, ISL आई लीग देख सकते हैं, नहीं सिर्फ ISL, उनको आई लीग भी देखना चाहिए, आई लीग में भी बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं दोनों काफ़ी क्लब्स के बाद, ईस्ट बंगाल मोहन बगान के पास टैलेंटेड प्लेयर है, गोकुलम केरला के पास टैलेंटेड प्लेयर है। हम लोगों को वेट नहीं करना चाहिए कि उन प्लेयर्स को ISL में आएंगे तो ही टीम में सेलेक्ट करेंगे। तो बात करते हैं कि अगले कुछ महीने इंडियन थिंक टैंक को
क्या करना है कि इस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके मार्च में, क्योंकि मेरे लिए मार्च वाले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे AIFF को कॉल लेनी पड़ेगी कि वो आइगोस टीम के साथ आगे जाना चाहेंगे एशिया कप क्वालिफायर्स और क्यों नहीं जाना चाहेंगे। तो बात करते हैं इंडिया की करंट पोजीशन क्वालिफायर्स में क्या है एंड इंडिया को आगे क्या करना चाहिए आगे जाने के लिए AFC एशियन कप थर्ड राउंड में एटलीस्ट जाने के लिए क्वालिफायर्स में, क्योंकि वर्ल्ड कप की रेस से हम बाहर हो चुके हैं। फ्यूचर की बात करने से पहले बात कर लेते हैं इस ग्रुप ई में जो AFC एशिया कप 2023 क्वालिफायर्स एंड फीफा वर्ल्ड कप 202 ज्वाइंट क्वालिफायर्स में क्या स्टैंडिंग है इस टाइम। कतार 13 पॉइंट्स पे फेवरेट है एज अ ग्रुप विनर वर्ल्ड कप के थर्ड राउंड जाने के लिए। जस्ट पीछे चल रहे हैं उनके ओमान जिनके 12 पॉइंट्स हैं। दोनों के बीच हेड टू हेड टक्कर है, अभी एक मैच और बचा है इन दोनों के बीच में। अफगानिस्तान के 4 पॉइंट है -9 गोल डिफरेंस के साथ, इंडिया के 3 पॉइंट है -2 गोल डिफरेंस के साथ, बांग्लादेश का 1 पॉइंट है -6 गोल डिफरेंस के साथ। बांग्लादेश अभी सिर्फ 4 मैच खेली है, बांग्लादेश के पास एक एक्स्ट्रा मैच है, बाकी टीम के एक एक्स्ट्रा मैच बचा है कंपेयर टू अफगानिस्तान एंड इंडिया। अफगानिस्तान की मैचेस की आप बात करेंगे तो अफगानिस्तान का एक मैच ओमान का गेंस अपने होम पे है जहां वो काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेल रहे। कतार सिर्फ उनसे 1-0 अपने होम पे जीता, वो भी लास्ट काफ़ी लेट गोल पड़ा था। उसके अलावा अफगानिस्तान बांग्लादेश इंडिया के गेंस भी खेल रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि अफगानिस्तान अगर वो दोनों मैच जीत अगर इंडिया दोनों मैच जीत जाएगा तो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इंडिया को हरा देते हैं तो इंडिया को अपने दोनों मैच जीतने हैं तो अफगानिस्तान से आगे जा सकते हैं, अंटिल अनलेस अफगानिस्तान ओमान के अगेंस्ट अपने होम पे रिजल्ट लेके आता है ड्रॉ या विक्ट्री। उसके अलावा इंडिया का मैच कतार के अगेंस्ट बचा है जो मार्च में है एंड इंडिया का एक मैच बचा अफगानिस्तान जो अपने होम पे है बांग्लादेश अवे। तो इंडिया को बांग्लादेश अफगानिस्तान मैच हर हालत में जीतना है थर्ड फिनिश करने के लिए, और अगर इंडिया थर्ड फिनिश नहीं करता है तो इंडिया फोर्थ प्लेस टीम में भी यहाँ पे अगर फोर्थ प्लेस टीम में पहली 4 टीमें थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर देंगी। इंडिया काफ़ी दूर है इस टाइम, इंडिया फोर्थ नंबर पे है पर जो टॉप 8 जो टॉप 8 टीमें हैं फोर्थ प्लेस, इंडिया नंबर 7 चल रहा है और इंडिया के सिर्फ 3 पॉइंट हैं, और जो नंबर 4 चल रहा है म्यांमार उनके 6 पॉइंट्स हैं, और जो नंबर 1 चल रहा है नॉर्थ कोरिया उनके 8 पॉइंट है। तो यहाँ पे फोर्थ प्लेस में अगर हम फिनिश करते हैं तो उसका मतलब हम प्ले ऑफ राउंड हमें खेलना पड़ेगा, और प्ले ऑफ राउंड काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, इतना आसान नहीं होता है हर टाइम प्ले ऑफ राउंड जीतना, और टू प्रोग्रेस हमें आई थिंक डायरेक्ट क्वालिफाई करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आने वाले 3-4 महीने में कोचिंग स्टाफ को करने की क्या जरूरत है। कुछ सवाल भी मेरे हैं, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है अगर ये हम स्टाइल फुटबॉल खेलना चाहते हैं, बट आपको उस स्टाइल के लिए करेक्ट प्लेयर्स चूज करने पड़ेंगे। लैनी रोड्रिगा जैसा प्लेयर आप नहीं मिस कर सकते हो अगर आपको पासिंग फुटबॉल खेलनी है, क्योंकि उनसे ज्यादा पासेस ISL में किसी इंडियन प्लेयर ने खेले नहीं है, उनसे ज्यादा पासिंग एक्यूरेसी किसी इंडियन प्लेयर्स की है नहीं, फॉरनर्स के बराबर उनकी पासिंग एक्यूरेसी है। आई थिंक उनको अपॉर्चुनिटी आपको देनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा दूसरा मेरा सवाल है, स्टीफन कॉन्स्टाइन के अंडर इंडिया का एक स्काउटिंग नेटवर्क होता था जिससे मनवीर सिंह को स्काउट किया गया, क्या वो स्काउटिंग नेटवर्क अभी एक्टिव है? तो क्या हम कुछ और ऐसे प्लेयर्स जो आई लीग में जो ISL में भी आई लीग लीग सेकंड डिवीजन में खेल रहे हैं या संतोष ट्रॉफी में खेल रहे हैं, क्या कोई ऐसा प्लेयर टीम में आ सकता है? एंड तीसरा मेरा एक सवाल है कि आई लीग से प्लेयर को मौका मिलना चाहिए, आई लीग भी स्टार्ट हो रहा है, आई लीग में काफी सारे अच्छे इंडियन प्लेयर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, आई लीग में इंडियन प्लेयर्स अच्छी पोजीशन पे खेलते आपको मिलेंगे। कुछ इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने अभी पहले 20 मैचेस ISL में अच्छा खेला है जैसे जेरी मोइंग थामा, क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? सैरेटन फर्नांडिस राइट बैक का स्पॉट थोड़ा सा डॉजी है, आपको राइट बैक चाहिए तो सैरेटन फर्नांडिस, प्रबीर दास, ऐसे जो प्लेयर्स हैं क्या इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? कैम मैटिस बुलाना चाहिए, मार्च में आपको अपॉर्चुनिटी है फ्रेंडली खेलने के लिए। रिडीम तांग एक और प्लेयर्स हैं, अनिकेत ज़्यादा अच्छा खेलते आ रहे हैं, जेजे की वापसी होने वाली है, हमें सुनने में आया कि जेजे इस ब्रेक के बाद शायद चेन्नई के लिए आपको खेलते हुए दिखे बेंच से या डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस। उसके अलावा अमरजीत कियाम भी रिकवरी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो भी मार्च मैच के लिए अवेलेबल होंगे। तो आपकी इंजरीज से शायद संदेश जिंगन आपके सबसे एक जो प्लेयर जो मिस होंगे, अभी तक आदिल खान या राहुल बेके या पन्ना हल्दार की इंजरी की डिटेल हमारे पास ज़्यादा आई नहीं है, पर होपफुली वो ज़्यादा सीरियस नहीं होगी। तो यहाँ पे आइगर स्टीमैक को आई थिंक जो स्क्वाड मुझे जो लगता है वो बार बार एक ही स्क्वाड 35 या 30 की बुलाते हैं, मेरे हिसाब से अब उनको उस स्क्वाड को थोड़ा फिल्टर कर देना चाहिए, जिन प्लेयर्स को उनको पसंद आए वो प्लेयर्स रखें और आप बाकी के 10-5 स्पॉट फ्री करें, उन 10-5 स्पॉट हम नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दें, एटलीस्ट कैंप में उनको बुलाएं, उनको देखें कैसा लगता है, क्योंकि आप बार बार सेम प्लेयर्स को नहीं बुला सकते अगर आप उनको नहीं खिलाने वाले हो। अगर आपने उनको एक बार रिजेक्ट किया है आप उनको अगली बार भी रिजेक्ट करोगे, एंड वही होता आ रहा है जून से, इंडिया ने वेरियस स्क्वाड अनाउंस करी है, वेरियस स्क्वाड में सेम ही लगभग 35 की स्क्वाड रही है, कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं और सेम ही प्लेयर रिजेक्ट हुए हैं और वही सेम 23 या 21 की स्क्वाड सेलेक्ट हुई है। तो अब आई थिंक टाइम आ चुका है कि उनको वो जो 21 की स्क्वाड है इनकी जो उसके अलावा बचे स्पॉट्स हैं 10-12 स्पॉट्स हैं उसमें आप नए प्लेयर्स को बुलाएं हर बार, उनको अपॉर्चुनिटी दें ताकि आपको भी पता चले वो लीग में जो कर रहे हैं क्या इंटरनेशनल स्टेज पर कर सकते हैं नहीं कर सकते। एंड दूसरा मेरा सवाल होगा, इंडिया का कोई मैच नहीं होने वाला मार्च तक, तो हमें हर
हालत में AFF एंड नागर टीम को मेक श्योर करना है कि इंडिया मार्च में एक फ्रेंडली मैच खेले। उम्मीद करते हैं ISL आई लीग से हमें कोई नए उभरते हुए सितारे देखने को मिलेंगे। आगर टीम कैरन का गोल स्कोरर नहीं है, होपफुली JJ की वापसी होगी, इंडिया को और गोल स्कोरर मिलेंगे। अगर गोल स्कोरर नहीं है तो उनको आप थोड़े और प्लेयर्स आते हैं ट्राई करने चाहिए। उस सेम सेट ऑफ स्ट्राइकर को नहीं आप बुला सकते हो बार बार। जो भी जस्टिन अब तक ATK के लिए खेले नहीं है तो उनको भी कॉल लेनी है अपने फ्यूचर के बारे में। अगर ATK में उनको चांस नहीं मिल रहा है, क्या वो दिसंबर विंडो में जाके आई लीग में लोन पे चले जाएं? ये इंडियन प्लेयर्स को की ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। अगर आप खेलोगे नहीं तो इंटरनेशनल फुटबॉल को खेलने को नहीं मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं इंडियन प्लेयर्स के लिए चीज़ इंप्रूव होता रहेगा। हमें आपको ऐसे टेक्टिकल वीडियोस, स्टैट्स वाले वीडियोस लेके आते हैं। पूरे सीजन ISL में ले आ रहे हैं, उसके अलावा ISL की हाईलाइट्स आपको मिलती रहेगी पूरे सीजन हमारे चैनल पे। थैंक यू टू इंस्टैट फॉर सेंडिंग दीज स्टैट्स टू अस टू एनालाइज दीज मैचेस। एक स्काउटिंग प्लेटफॉर्म है जो आई लीग के मैच प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके साथ हमारी एक अच्छी हेल्प हमारी कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ताकि आप लोग इंडियन फुटबॉल थोड़े और अच्छी तरीके से समझ पाएँ नंबर्स के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वो लाइक बटन आप दबाइए। उसके अलावा अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में खेल रहा हूँ फुटबॉल, ट्विटर इंस्टाग्राम में @ खेल रहा हूँ, एंड आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन टैब में मिल जाएंगे। होपफुली ब्लू टाइगर्स यहाँ से बाउंस बैक करेंगे और एशिया कप थर्ड राउंड के लिए हम डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे, ना कि प्ले ऑफ से, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया कप खेलना। उम्मीद करते हैं ब्लू टाइगर्स विल कम बैक वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।